क्या क्या चीजें लगाई हैं और किस तरह से यहाँ डेकोरेट किया है। काफी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, एरिया है यहाँ पे, बिल्कुल बता सकता हूँ। तो चले सर, चलते हैं। जो जमुना के किनारे होते हैं, श्री कृष्ण महाराज जिसके ऊपर बैठ करके बंसी बजाया करते थे, वो कदम का पेड़ लगाए हैं। हाँ, और ऐसी कोई कमी नहीं रखी हमने अपने कॉलेज में, अच्छे से अच्छे पौधे ला करके लगाता हूँ। और इससे भी बढ़िया इसको भी इतना सुंदर बनाऊंगा कि मतलब देखता ही रह जाए इंसान। ये नहीं है हमारे पैसे कमाने का मतलब, नहीं, हमारा तो लक्ष्य है कि इसको आदि सुंदर बनाना है। मैं हर कॉलेज में जाता हूँ, हर कॉलेज में देखता हूँ कि यहाँ पर ये है, तो मैं सही बढ़िया बनाऊँगा। और आने वाले टाइम में यहाँ जिराफ, हाथी, घोड़े वगैरह का मॉडल तैयार करूँगा। हाँ, और आ रहे हैं वो मॉडल आ रहे हैं, उनके बीच में करके बताऊँगा आने वाले टाइम में। जिंदे रह गए तो करेंगे, नहीं नहीं गए तो अलग बात है। नहीं नहीं करेंगे, हम भी आपका सहयोग करेंगे। ऐसा है ना, देखो 75 ईयर मेरी उम्र हो गई है, और इस उम्र में मैं महसूस नहीं करता हूँ कि मैं इतनी उम्र का हूँ। मैं तो अपने आप को अभी 30 का समझता हूँ। हाँ, कोशिश की है मैंने कि जितना अच्छा बने उतना, और इसको और ज़्यादा सुंदर बनाऊँगा, एक्सीबिशन तौर पर बनाऊँगा इसको, कि देखने वाला देखे यार कोई चीज़ बनी है। बड़ी पहाड़ी है, इसमें भी फायर ऑन दी माउंटेन लगाऊंगा, इसके ऊपर पूरी लाल कर दूंगा, ऊपर से पर नीचे तक, ताकि कोई जगह खाली नजर ना आए कि जिसमें प्लांट्स नहीं है, पूरी फूल नजर आएंगे। फायर ऑन दी माउंटेन लगाऊंगा इसमें, और हाईब्रिड बोगनवेलिया बंच टाइप वो तैयार कर रहा हूँ, वो लगाऊंगा इसमें। और चलिए, तो दोस्तों हम मिले थे यहाँ के गार्डनर अमर सिंह अत्री के साथ, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। इतनी एज होने के बावजूद भी उनके मन में जो कर जाने का जुनून है, उसको हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, ये सिबा कॉलेज का भी एमडी सर का ऑफिस है, ये एमडी सर का ऑफिस है। ये जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये एमडी सर का ऑफिस है, यहाँ रिसेप्शन है दोस्तों। प्रिंसिपल उत्पल जान जी का ऑफिस है यहाँ, प्रिंसिपल रूम है दोस्तों। काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। भोलेनाथ की जो है वो तस्वीर भी लगी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आते ही हमें संदीप जी ने भोलेनाथ जी के दर्शन करवा दिए, तो भोले जी की कृपा हम पे और हमारे सभी दर्शकों पे बनी रहे। तो यहाँ आते ही संदीप जी ने सबसे पहले हमें यहाँ के टीचर विजय शर्मा जी के बारे में बताया, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे ही टीचर अपॉइंट हो गए हैं। इसके बाद संदीप जी ने हमें यहाँ के चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो यहाँ के MD हैं, उनके बारे में जानकारी दी। उसके बाद यहाँ के MD मैम के बारे में संदीप जी ने हमें जानकारी दी। MD साहब हैं ये, MD सर स्पीच देते हुए। और उसके बाद हम आपको मैडम से मिलवाएंगे, मैडम है MD मैम जी। और ये इनके साथ ये कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। संदीप जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, कॉलेज के चेयरमैन श्री राम जी। उसके बाद दोस्तों हमें संदीप जी कॉलेज की लैब में ले गए, और उन्होंने हमें वहाँ पे कॉलेज के स्टाफ रूम और लैब के बारे में बताया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सिबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की लैब कितनी बड़ी है और कितने अच्छे ढंग से डेकोरेट की गई है। इसके बाद दोस्तों संदीप जी हमें क्लासरूम में ले गए, तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने बड़े क्लासरूम हैं और कितनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है सिबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने। ये दोस्तों ऑडिटोरियम है सिबा कॉलेज का, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है, देख सकते हो आप दोस्तों। संदीप जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं इस ऑडिटोरियम की, काफी अच्छा ऑडिटोरियम है। और मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ बस यही भगवान से यही कामना करता हूँ कि हमारे कॉलेज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हमें तभी हमारे आप ऐसी मनोकामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हैं सर।
धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जिस तरह से हमें कॉलेज की जानकारी दी, तो थैंक यू संदीप जी। वेलकम वेलकम सर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं।